लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर लाइफ में कभी आपको प्यार हो, फिर ध्यान रखिए कि हमारी फिल्में आपसे क्या कहना चाहती हैं। वहां पर हमेशा प्यार की हैप्पी एंडिंग होती है, पर असल में ऐसा होता नहीं। यहाँ हीरो हीरोइन का हाथ पकड़कर स्लो मोशन में सनसेट में नहीं जाता, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में आपको मेरे जैसे लोग भी मिलेंगे। इन रियल लाइफ लव हर्ट्स। आप मेरी कहानी सुनिए, मेरी जिंदगी के वो कुछ दिन, मेरे 100 days ऑफ लव। ये कहानी की शुरुआत नहीं है, ये क्लाइमैक्स है। ये कहानी का 100वां दिन है। लेट्स गो टू डे 1। वो दिन भी आज ही की तरह था, अ वेरी वेरी बैड डे। टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक तो ये लड़की है, पिया मेनन। ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, जबकि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूं। हेलो, यू सच अ बिग जर्क एंड चीप टू। पिया, हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम पे विश्वास किया, पर तुम एक लूजर निकले। पिया, इट्स बीन 2 इयर्स। तुम ये सब पहले भी बोल चुकी हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में सेम फीलिंग्स है तो तुम भाड़ में जाओ। तुमने मेरी फीलिंग्स को पब्लिकली हर्ट किया है। पिया, स्लो डाउन। हाउ डेयर यू? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम एक नंबर के बेशरम हो, और अगर तुमने मुझे इन सब में इन्वॉल्व किया तो देख लेना। पिया, लिसन टू मी, रिलैक्स। अब मेरी लाइफ में दोबारा मत आना। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। गो टू हेल। वायरल हो गया, टोटल 638 कमेंट्स, मुझे गालियां लिख लिख कर टैग किया गया है क्योंकि मैंने पब्लिकली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गालियां जो दी, 9 देशों से और अलग अलग भाषाओं में गालियां मिली हैं। दारू से सिर्फ हेल्थ नहीं खराब होती, बल्कि कभी कभी इज्जत भी जाती है।
हेलो आई एम सॉरी आई ट्राइड माई बेस्ट तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर वो एडिटर मानने को तैयार ही नहीं था सच कहूँ तो उसकी वजह से मुझे तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर बनाना पड़ा हेलो हाँ देखो इसमें अपसेट होने की कोई बात नहीं है बस इतना सोच लो कि हम तुम्हारे लायक नहीं हैं कल सुबह तुम ऑफिस आ जाना और अपना डेस्क क्लियर कर लेना I'll see you tomorrow. पिछले हफ्ते तक मैं एक न्यूज़पेपर का काबिल राइटर था पर मुझमें और एडिटर की सोच में फर्क था उसे लगता था कि मैं बड़बोला हूँ एक छोटे से आर्ग्यूमेंट ने मुझे सस्पेंड करवा दिया सिर्फ एक हफ्ते में सस्पेंशन टर्मिनेशन में बदल गया बिल्कुल ही चीप पॉलिटिक्स ये मेरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स इस शहर की चमचमाती रोशनी में इस बारिश ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी देयर वाज समथिंग अबाउट हर उसकी प्यारी सी स्माइल दैट स्माइल वाज मैजिक उस दिन का सारा दुख बस उसकी हंसी देखकर गायब हो गया एंड जस्ट लाइक दैट शी वॉज गॉन हर इंसान की जिंदगी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है और मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो था मेरी जिंदगी का एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है और हर बार की तरह मेरा बेस्ट फ्रेंड उमर साथ था मेरे पीछे कौन था AK-47 और एक ग्रेनेड और फिर और मेरे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे पेड़ के पीछे वहाँ मेरा एनिमी सोल्जर था मुझे ये पता था मैंने उसे मारने के बाद उसका हथियार छीन लिया पर मैं उस खाई से निकल नहीं पा रहा था उसके और मेरे बीच चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हुआ बूम! उसकी मदद के लिए एक बड़ा सा टैंक मेरी तरफ बढ़ा उसमें से 10 सोल्जर नीचे उतरे मैंने बॉम्ब फेंका जिसमें से 4 लोग वहीं मर गए मैंने खाई के अंदर से ही अपनी AK-47 चलाई और मैंने सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया लेकिन 2 दुश्मन बचे थे और मेरे पास 2 ही बुलेट थी मैंने गोली चलाई और दोनों ढेर क्या जब मैंने पेड़ के पीछे देखा तो उसके पीछे कई सारे दुश्मन थे गन फायर And I was dead. जिंदगी और मौत के बीच 1 सेकंड का अंतर होता है यही गेम द बेस्ट वॉर गेम एवर लेवल 14 यहां तक पहुंचने का तुम्हारा कोई चांस नहीं ये उमर की लाइफस्टाइल थी उसके लिए जिंदगी सोफा और टीवी के बीच खत्म हो जाती थी मेरा मतलब वो एक वीडियो गेम रेंटल स्टोर चलाता था उमर स्पैन यू पैन उसका सबसे बड़ा पैशन था कि वो पूरे दिन गेम खेले और सारी स्टेजेस पार करे हमारा यू पैड खत्म हो गया या नहीं देखते हैं तुम जानते हो केवल मैं ही तुम्हारा क्लाइंट हूँ क्या 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 बकवास मत कर वरना मैं तुझे हरा दूंगा चल निकल यहाँ से भाई तुम्हें चीट कोड पता है तुम जैसे लड़कों में बस यही एक प्रॉब्लम है दिमाग तो है नहीं मेहनत तो करते नहीं और जीतना चाहते हैं सच्चा खिलाड़ी कभी चीटिंग नहीं करता दोबारा यहाँ आके ऐसी बातें मत करना समझे हाँ
फेसबुक का सेलिब्रिटी यहाँ दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठा है। मैं इसका फोटो फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड कर देता हूँ। यार तुमने मेरी इमेज का भी ख्याल नहीं रखा, अब मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा यार। अरे यार जकब बक को तो तुम्हारा अकाउंट बैन करना चाहिए। तुम्हारा दोस्त होने के कारण मुझे भी गालियों के मैसेज मिल रहे हैं। अरे ए! अरे ये पागल हो गया है क्या? ए! उमर, हे भगवान, अब इसको क्या हो गया? आज मैंने उसे देखा यार, द वन। एक भाई, ये जो कैमरा है ना, इससे हम लोग कुछ फोटो खींचेंगे और उसे अपलोड कर देंगे, क्या बोलता है? ये इंसिडेंट आज शाम को ही हुआ। वो उसी टैक्सी में बैठी थी जिसे मैंने रोका। जब वो बैठ रही थी, उसके हाथ से कैमरा छूट गया। वो गाड़ी तो कहीं चली गई, पर मैं उसकी स्माइल देखकर घायल हो गया। द वन। फिर से, इसमें क्या खास था? अभी तेरी ये इश्कबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। मुझे लगता है तू पागल हो गया है। उसके बाद कोई और आ जाएगी, तू यहाँ बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ, समझा? तू याद करके देख, आज तक हमने कितनी लड़कियों को देखा होगा? क्या सब हमें अट्रैक्ट करती हैं? हम कितनों को नोटिस करते हैं? मैं जब खाना खाता हूँ तो कुछ नोटिस नहीं करता। तू मुझे खाने दे, समझा? जरा सोच, 100 लोगों की भीड़ में हमारी आंखें सिर्फ एक पर टिके तो? सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी हो गया। सही कहा ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। पर लोगों के साथ ऐसा एक बार होता है। पता नहीं, पर इस बार ऐसा नहीं है। इट्स डिफरेंट। उसके चेहरे पर स्माइल, मुझे लगता है जल्दी वो स्माइल फिर से देखने वाला हूं। अपनी जिंदगी में ऐसा मुझे पहली बार फील हुआ है। तू बता उमर, कभी तुझे ऐसा फील हुआ है? क्यों नहीं, गेम डेवलप करने के बाद दुनिया मुझे सलाम करेगी, सारे गेम लवर्स मुझे याद रखेंगे, चारों तरफ लड़कियां और जेब में ढेर सारे डॉलर्स, और फिर वर्ल्ड टूर। वाह, तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तुझे प्यार में भी गन्स दिखाई देती हैं, रोजेस नहीं। रोज? जा और सो जा, तू ये सब बातें भूल जा। यार मुझे उसे ढूंढना चाहिए, ये गेम की तरह ही होगा। ए! तूने अभी क्या कहा कि ये गेम की तरह है? हाँ? ये मुझे कैमरा के बैग से मिला, इसे नेगेटिव कहते हैं। बैग को ठीक से देखा नहीं था। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? ये गेम के जैसा है। ये रोल उस तक पहुंचने का कोई क्लू होगा। एक बात कहूँ, अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाएंगे। इस फिल्म को डेवलप करना चाहिए। नहीं, ये सब बड़ा चीप होगा यार। वो क्या सोचेगी? वो क्या तेरे चाचा की बेटी है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है तो भाड़ में जा, तू और तेरा कैमरा। दिमाग खराब कर रखा है। उमर, क्या हुआ? हम इसकी फोटो भी तो बना सकते हैं। ये बड़ा चीप होगा। अरे वो क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी, मेरे चाचा की बेटी थोड़ी है। हमने आखिर में फिल्म रोल डेवलप करने का प्लान बनाया, उमर की भाषा में लेवल 1। तुझे पता है ये क्या है? कैमरा। दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट। ये 80s का SLR कैमरा है। आज की तरह उस वक्त हर कोई फोटोग्राफी नहीं करता था। इस पूरे फिल्म रोल में सिर्फ 12 फोटोज लिए गए हैं। एक बार फोटो लेने पर इसे डिलीट या रिप्लेस नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम और सेल्फीज के जमाने में अगर उसके पास ऐसा कैमरा है, मतलब वो कुछ बताना चाहती है। इसमें हर एक फोटो की अपनी एक कहानी है। हम उन कहानियों को क्यों नहीं ढूंढते?
अरे ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो पेन में भी कैमरा होता है। उन लोगों के तो हाथ जोड़ने चाहिए जो इतना बड़ा कैमरा यूज करते हैं। अच्छा ये बता, तूने कभी किसी दादी को देखा है? चल चलते हैं। सुन हम घर जाकर चेक करते हैं। इस रोल में 12 फोटोज की जगह होती है पर सिर्फ 7 फोटोज हैं। ये दोनों तो बेकार हो गई, एकदम से ब्लर हो गई है। बाकी 5 तो बढ़िया है। सुन इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। वाह हमें तो पहली फोटो में ही विलन मिल गया। तेरी वाली तो इसमें दिख रही है मगर उसके पीछे एक विलन भी दिख रहा है, समझा? और समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। इन जगहों की स्पेशलिटी क्या होती है? सो रैंडम। कोई टूरिस्ट प्लेस होता तो पता लगाना आसान होता। पहली बार जब तूने मुझसे बात की तो मुझे लगा कि तू टाइम पास कर रहा है, मगर तू तो सीरियस हो गया यार। इस फोटो और इन जगहों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, यू नो व्हाट आई मीन। सबसे पहले तो तुम्हें ये जगह ढूंढनी होगी। यार असल जिंदगी में भी गेम की तरह लिमिट्स होनी चाहिए। यस एडवेंचर भाई, दैट्स द वर्ड। हम अपनी बोरिंग लाइफ को मजेदार क्यों नहीं बनाते? ओके क्या ये कोई भविष्यवाणी है जो किसी लेखक के किताब में होती है? ऑफ ऑल द जीन जॉइंट्स इन द टाउन इन ऑल द वर्ल्ड शी वॉक्स इनटू माइन। दुनिया के हर शहर में टैक्सी में बैठकर वो मीलों मीलों तक सफर करती है और तुमने उसी टैक्सी को रोका। मैं समझ गया। What next? इन फोटो की जगह ढूंढनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मतलब? अबे तभी तुझे तेरा प्यार मिलेगा, आपस में दिल मिलेंगे, तुम सब कुछ भूल कर उसके साथ नाचोगे गाओगे मजे करोगे। ये टाइम्स मैगजीन के बेंगलुरु ब्रांच की सब एडिटर है मैरी मरियम मैथ्यूज, मिड 30s की है, पाला शेखर की बेटी, इस ऑफिस में मेरी एक लौती वेलविशर। आ गए तुम, आओ ना बैठो। मॉर्निंग। तुम्हें इस तरह निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट सिर्फ इस ऑफिस तक सीमित नहीं है, तुम में बहुत कैपेबिलिटीज हैं। यू विल बी फाइन आई एम श्योर। पिछले कई सालों से मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते आए हैं, ये लड़का अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ। तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते, आखिरकार वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, आपको बैठ के बोर कर दिया। एनीवेज टेक केयर, आई विल रियली मिस यू अराउंड हियर। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वो परमानेंट हो जाएगा ना, वो साला कमीना। उसे परमानेंट करने के लिए तुम्हें इस जॉब से नहीं फायर किया गया है, पर तुम्हें निकालने की खुशी में आज सुबह उसने मिठाई जरूर बांटी, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ मिल लो। मुझे स्कूल और कॉलेज में इसने बहुत परेशान किया, हम दोनों ने ये कंपनी साथ ज्वाइन की थी, जॉब को 6 महीने हुए और ये साला मुझसे स्मार्ट बनने के फिराक में लग गया सिर्फ यहाँ परमानेंट होने के लिए और अपनी थाक जमाने के लिए। अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो तुम वापस आ जाना, समझे? आओ तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि इस कंपनी में किसे होना चाहिए, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी किस्मत खराब निकली। वैसे ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं। आओ यार। वैसे भी इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा एक फायदा तो हुआ है ना, वो ये कि तुम्हारे 2 महीने वेस्ट नहीं हुए है ना। अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरे साथ आओ। तुम्हारा दुख बांटने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी खुशी शेयर करने के लिए तुम मेरे साथ हो। वैसे भी अपनी बातें शेयर करने से दुनिया भर की परेशानियां कम हो जाती हैं। तुम ये पकड़ो, मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है, चलो मेरे साथ। अरे अब आ भी जाओ और अब यहाँ पर तुम बैठ जाओ, बैठो यार बैठ जाओ, अब हम दोनों आराम से बातें कर सकते हैं।
तुम ये देखो, मैंने 6 महीने पहले इसे बनाया। हाय निकिता, गुड मॉर्निंग। शाम को कॉफी पीने चलोगी क्या? अरे बैठना यार, बस एक मिनट, मैं तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। फ्री फूड वाउचर्स। बेंगलुरु जैसे इस महंगे शहर में बिना जॉब के भूखे प्यासे सिग्नल पर भीख मांगते मैं तुझे नहीं देख सकता, वो भी मैं अपनी एसी कार में बैठकर। इस एक वाउचर से तुझे 50 रुपए का खाना मिल जाएगा। खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं फिर दे दूंगा। ये ले। ये क्या है? तुमने कहा था ना कि ये गेम की तरह है, तो फिर हम इस गेम को ऐसे नहीं खेलेंगे, हम उसे फुल स्पिरिट के साथ खेलेंगे। तुम उन दोनों फोटोज के अलावा बाकी को भूल जाओ, क्योंकि यही दो फोटोज हैं जो हमें इस लड़की तक पहुंचाएंगे। ये जरूर किसी कॉलेज की लैब है और दूसरा सिनेमा थिएटर है, समझा? पर यहाँ तो बहुत सारे थिएटर हैं। क्या यार, तू बेवकूफों की तरह बात करता है, जरा फोटो के पीछे देखना, पीछे ध्यान से देखो, राजकुमार के पुराने फिल्म का पोस्टर है। सही है यार, हमें ये देखना है कि राजकुमार की फिल्म किस थिएटर में लगी थी। आपने इसे देखा है? नहीं 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 नहीं। अबे चल। इसी शहर से हो क्या? हाँ, आप जानते हैं इसे? पहले मुझे फोटो देखने दो। ये फोटो मुझे दे सकते हो? क्यों? हाँ? अब यहाँ ऐसी लड़कियाँ नहीं आती, इसलिए सोच रहा हूँ फोटो ही रख लूँ मैं। अबे तेरी तो, दे वापस दे। तुम सारे बुढ़े एक जैसे ही होते हो। बुढ़े साथ नहीं दिया। सुन, कभी ऐसा ना हो कि हम उस कॉलेज में जाए और पुराने दिन याद आए। मैं उन दिनों को मिस नहीं करता। तुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैं अपने माँ बाप को भूल सकता हूँ, मगर वो दिन नहीं भूल सकता। अबे अपनी मुंडी ऊपर कर।
इधर आना। बोल तेरा नाम क्या है? रोमांच। चल फिर हमें भी थोड़ा रोमांच दिखा। तो इस तरह रोमांच करता है? अच्छे से करना। चल जा। एक मिनट रुक। रोमांच करते हो जा। चल साइड में चल। तुम कौन हो? तुमसे ही बोल रहा हूँ। अरे अपना नाम बताना मोटे। उमर। अरे ये कैसा नाम है? सुन, अब मैं तुझे एक टास्क देने वाला हूँ। चल वहां से। आ गया ना। तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा क्या नाम है तेरा? बीके। तू कोई साहित्यकार है क्या? चल अपना पूरा नाम बता। बालन केनायर। क्या? बालन केनायर। अबे ये तो किसी पुराने विलेन का नाम लगता है। लगता है तुझे पुरानी पिक्चरें देखने का बहुत शौक है। शुरू हो जाए। क्या? लव। क्या? लव। भूल जाऊं मैं। जब टाइम खराब होता है तो ये सब करना पड़ता है। लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने पुरानी हिंदी फिल्में नहीं देखी। मुझे तो अपने दादा को ब्लेम करना चाहिए। मेरे पैदा होने के एक महीने बाद उनकी मौत हो गई। मेरी माँ शौक में थी तो मेरा नाम भी उनके नाम पर ही रख दिया और बाप का नाम और सरनेम भी घुसेड़ दिया, बालन के नायर। भाई तू क्रिकेट नहीं देख रहा है? इंडिया मैच हार रही है। कौन सा मैच? ये तू पूछ रहा है? अरे यार तू क्या कर रहा है? ये तो ओबामा लगता है। तूने ये बकवास फिर से शुरू कर दी हाँ? ये सब पहले जैसा नहीं है। ये कॉमिक स्ट्रिप है, अ सेट ऑफ पॉलिटिकल कार्टून्स। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ इंडियन पॉलिटिक्स भी दिखेगी। बराक ओबामा एक हीरो है। मेरे पास कोई और काम नहीं है ना। तू वीडियो गेम खेल और मैं डिजाइन करता हूँ। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज क्रिएटिव। इससे क्या होगा, बड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट। लोग लेवल 2 पार करके अटक जाते हैं, चाहे वो बराक ओबामा ही क्यों ना हो। यार हाँ, मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ लाखों लोग रहते हैं, हम बेवकूफ सिर्फ 2-3 फोटो लेकर उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या श्योरिटी है कि वो इसी शहर में है? देख यार, गेम में ऐसा नहीं होता। हम गेम तभी हारते हैं जब हम क्लू का इस्तेमाल नहीं करते। जीतना है तो क्लू का इस्तेमाल करना होगा। अगर उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो, मे बी वो किसी की वाइफ हो सकता है वो किसी की बहन हो, ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर हम उसे ढूंढ भी लेंगे तो मैं उसे क्या कहूंगा? हे, मैंने तुम्हें बरसात की रात में देखा था। तुम उस टैक्सी में थी जिसे मैंने रोका था। उसी दिन मुझे तुम्हारा कैमरा मिला। मैंने कैमरा की सारी फोटोज बनवा ली है जिससे मैं तुम्हें ट्रेस कर सकूं और आराम से ढूंढ सकूं।
जब इतनी मेहनत तुम्हारे लिए की है तो क्यों ना हम एक हो जाएं? बहुत अच्छा क्या बात है, तो इस तरह से बात करोगे तुम उससे? आज पता चला लड़कियां तुझे क्यों छोड़ती है। पहले तो हम उसे ढूंढेंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या और कैसे करना है। जैसे मैं गेम खेलता हूँ वैसे तुम्हें भी गेम खेलना होगा, स्टेप बाय स्टेप, और इसी से हमारा काम बनेगा, चाहे वो कोई गेम हो या किसी लड़की को ढूंढना। ये सही कह रहा है, लड़कियों के मामले में उम्र परफेक्ट है क्योंकि पूरे बेंगलुरु शहर में यही एकलौता वर्जिन है। हमें इस टास्क को पूरा करने के लिए उम्र की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कॉकरोच सपना था, सॉरी। क्या हुआ, तेरे फूड वाउचर्स खत्म हो गए ना? मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ। ओह, मेरे इस दुख की घड़ी में सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है। अगर फूड वाउचर्स मिल जाते तो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ये देख, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की लिस्ट में मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस पूरे ऑफिस में जो भी मुझे वोट नहीं करेगा ना, उससे मैं किसी न किसी कारण में फंसा दूंगा। जो तूने मेरी मदद की ना, उसके लिए मैं थैंक्स बोलने आया हूँ। ये तो अपना उम्र है ना, अभी तक जिंदा है ये। अभी ये कौन है? मैं सब बताऊंगा। तुझे फेल करने के लिए मेरे पास एक डेडली आइडिया है। तू मुझे फेल करेगा? ये एक नया फीचर है, श्योर शॉट हिट होगा। ये आइडिया एडिटर को जरूर इंप्रेस करेगा। आइडिया बता। हिडन बेंगलुरु, एक कॉन्टेस्ट जो हम सिटी सप्लीमेंट के तौर पर स्टार्ट करेंगे। बेंगलुरु की कुछ जगहों की फोटो पब्लिश करेंगे जो ज्यादा फेमस नहीं है। जो भी रीडर उन जगहों को पहचान लेगा वो हमारा विनर होगा। कैसा लगा? आखिर मेरी जगह पर तू बैठा है तो ये आइडिया भी तेरा होना चाहिए। क्या तू इसके फेस को ब्लर कर सकता है? तो मैं इन जगहों की डिटेल्स मेल करता हूँ। ये भी कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है? ऐसे आइडिया मेरे पास बहुत है। तेरा आई क्यू लेवल बहुत लो है, तुझे ऐसे ही आइडियाज आएंगे। चल ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैंने ये सब एडिटर को भी बताया है, उसे काफी पसंद आया। तुझे उसे भी कन्विंस करना होगा। तू तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है यार। तो मैं चलूं? ऑल द बेस्ट। अब मजा आएगा गधा। ये तो पूरा बेवकूफ है। तुम यहाँ बैठकर उसके लिए ड्राइंग बना रहे हो और मैं किसी दिन ये ओबामा को भेज दूंगा। जब ये ओबामा देखेगा ना तो तुझे मारने का ऑर्डर देगा। ये लड़की कौन है? क्या कौन है ये? अरे तुझसे क्या मतलब कि वो कौन है? यहाँ गेम खेलने आता है, गेम खेल। ये कैफे तो पिंकी आंटी के घर के बगल वाला कैफे है। क्या कहा तूने? पिंकी आंटी, तू इसे जानता है? कहाँ रहती है? ये हमारे कॉलेज के पास में ही है। इसका ओनर बहुत खतरनाक है। हैं? भाई साहब, भाई साहब देखिए, ठीक से दिखाना। तुम यहाँ चाय पीने के लिए आए हो? हाँ। जी। चाय पी ली? नहीं। जाओ जाओ, फोटो लेके आया है, चलो निकलो। कैसा आदमी है ये? चलना। छे, इससे अच्छा तो हम लोग अगर वो यहीं रहती है तो उसने नोटिस जरूर पढ़ा होगा।
क्यों ना इस फोटो को अपनी डिटेल्स के साथ यहाँ लगा देते हैं। अगर वो नहीं देखेगी तो कोई ना कोई तो देख लेगा ना। क्या बात है भाई, कभी कभी तो समझदारी की बातें कर लेता है, सच में है ना? सच कह रहा हो, मेरे साथ रह के कुछ तो सीखा। चल भाई। Yes. Are you busy? Who's this? I believe you have something of mine. Hold on. Umar. Mr. Nayar, आपको हिंदी आती है? हम हिंदी में बात कर सकते हैं। अरे ये भी अपने यहाँ की है। हाँ। हाँ, बताइए ना। आप मेरा बैग रिटर्न कर देंगे ना? ओह, चलो एटलीस्ट तुम मिल ही गई। तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, है ना? अगर वो किसी गलत हाथ में गया होता तो आपको कभी नहीं मिलता। सही कहा। प्लीज मुझे भैया कहकर मत बुलाइए। चलो कोई नहीं, हम मिलते हैं। पर कंफर्मेशन के लिए आप बता सकती हैं बैग में क्या है? Sure. एक लिपस्टिक, एक नेल पॉलिश और एक कैफ़े का पैकेट। ये लड़की कौन है तू? लड़की नहीं, लड़का। लड़का। अबे तेरे तो फोन रख, फोन रख। पता नहीं वो था या थी, पर अभी से वो हमारे लिए एक साइको था। उसने मुझे जिस तरह पागल बनाया, उससे तो यही लगता था कि वो साला रोमांच का भी बाप होगा। हेलो यार, इसने दिमाग खराब कर रखा है। उसी ने फोन किया था क्या? उसने इस नंबर से फोन किया, नोट कर, 8908911111। हाथ लगा तो कच्चा चबा जाऊंगा। मैं भी चबाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। अगर ये उम्र बूढ़ा भी हो जाएगा ना, फिर भी इसका गेम खेलना बंद नहीं होगा, इसलिए मैं अपने गेम पर फुल स्टॉप लगाने जा रहा हूँ। हेलो, हाय मिसेस चोपड़ा, आई टेल हिम, सॉरी। अबे बंद करना, तेरी उछल कूद की वजह से मिसेस चोपड़ा के घर में भूकंप आ रहा है। और तो जीत के रहूंगा। उमर रुक 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 रुक, अभी नहीं, रुक जा, इसे देख। हाँ? देखना। अरे ये तो पूरी ब्लर है यार, ध्यान से देख। हे मैन, ये तो तू है। इसका मतलब वो तुम्हें जानती है, हो सकता है वो हमारे साथ गेम खेल रही हो, वो तुझे छुप छुप के देखती होगी शायद। भाई मुझे लगता है ये उसका प्लान होगा। ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, शायद मैं रैंडमली इस फोटो में आ गया हूं, ये भी हो सकता है ना। पर सही टाइम पर और सही जगह कैसे हो सकता है? तेरी थियरी भी सही हो सकती है, आई डोंट नो। कुछ भी हो, जवाब तो ढूंढना होगा, लेकिन जब वो मिलेगी तभी इसका जवाब भी मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस हफ्ते हमें उस लड़की तक पहुंचना ही होगा। हम उस फोटो के हर क्लू को जानने की कोशिश करेंगे। फोटो ये ले। जाके देख कौन है। सपने में ही डूबा रहता है। सपना था क्या? मैं फोन पर सोया है। हेलो, आई वॉन्ट यू इन द ऑफिस इमीडिएटली। गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट्स अप?
तुम्हारे रोमांच को सस्पेंड कर दिया। What? How? When? हिडन बैंगलोर नाम से उसने एक फ्लॉप फीचर एडिटर को कन्विंस करके पेपर में पब्लिश कर दिया। पता नहीं अब ये उसने फ्रस्ट्रेशन में किया या क्या। दो दिन पहले ऑफिस में एक पार्टी हुई थी, दो पैक पीने के बाद ही स्पोर्ट्स कॉलम वाली निकिता के साथ उसने बदतमीजी की और निकिता ने उसकी कंप्लेंट भी कर दी। आज सुबह ही हेड ऑफिस से उसका सस्पेंशन लेटर आया है। कुछ भी हो पर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे एडिटर का मुंबई ट्रांसफर हो गया है। नए एडिटर के आने तक मैं ही स्टैंड बाय एडिटर हूँ। मैं तुम्हें रीअपॉइंट कर रही हूँ, तुम अपनी फीचर राइटर की पोस्ट रिज्यूम कर लो। यू आर अ स्टार, तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं? थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, पर जब कोई नया एडिटर ज्वाइन करेगा तो तुम उससे झगड़ना मत। वो अभी कहाँ है? बाहर है, अपना डेस्क क्लियर कर रहा है। उस लड़की का नाम क्या पता है? निकिता। मैं उसे ये देख कर आता हूँ। बिना मिले जाएगा? तेरे पास कोई जॉब नहीं है ना? आजा, आना। कोई बात नहीं है सर, आपको लड़की ने चाटा मारा, आपको कैसा लगा? वो बॉक्सर है, मैं क्या करता। तेरी पुरानी कैबिन अब मेरी नई कैबिन होगी, जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये नेम प्लेट। तेरे बारे में सुनकर दुख हुआ, तुझे चाटा मार कर निकाल दिया, ऐसे में दूसरा प्लेसमेंट मिलना भी मुश्किल है भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तू तो रोमांच है यार, मास्टर ऑफ ऑल आर्ट। जब तू घर बैठेगा ना तो एप्पल या फेसबुक जैसी कंपनी बनाना। किसी ने सच कहा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। हाँ सही कहा। करेक्ट, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे फोन कर। अगले हफ्ते से मैं कंपनी की एसी गाड़ी में ऑफिस आऊंगा, फिर तुझे सिग्नल पर भीख मांगते हुए नहीं देख पाऊंगा यार, इसलिए तेरे लिए कुछ लाया हूँ। फूड वाउचर्स? नहीं यार। हे यू। हाय। बैक टू रूटीन? हाँ एक्चुअली मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अब मैं कंपटीशन किसे दूंगा? एनीवे आई हैव अ जॉब फॉर यू। या आज शाम होटल लीला में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है। okay. तुम्हें वो कवर करना है, मैंने तुम्हें दो एंट्री पासेस ईमेल कर दिए हैं। श्योर। Ladies and gentlemen, Powerade, a truly global brand available across all the continents in over 150 countries. ये सब क्या है यार? Gives me immense pleasure that we are launching our South Indian operations here in Bangalore. Thank you. Hello? Hello? One sec. Yeah, who's this? Hey, चोर कहीं के, मेरा सामान कहाँ है? चल भाग यहाँ से। दम है तो अपना एड्रेस दे। किस लिए? तुम उसे कुरियर करोगे? मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ? अंदर चल। What? अरे what छोड़, चल अंदर। देख। ये वही है ना जो उस फोटो में था? सेम वही है। उस फोटो में हम केवल लड़की देख रहे थे और उस चक्कर में हम तो इसे भूल ही गए थे ना। हो सकता है वो भी यही कहीं हो। सच। वो यहां नहीं है, पर उसे ढूंढने के लिए ये लड़का लाइफलाइन हो सकता है। मेरे भाई अगर तूने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। पर मैं उससे बात कैसे करूं, कहीं वो मिसअंडरस्टैंड ना करे। इन सब बातों को तुझे हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। मैं जाके देखता हूँ, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अबे सब बिगाड़ मत देना। हाँ
जैसे सोचा था वैसे नहीं है वो, बहुत डिसेंट है यार। वो उस लड़की को जानता है और हमारी मदद भी करेगा। तुम्हें यकीन नहीं है, उसने कहा प्रोग्राम के बाद हम पार्किंग में मिलते हैं। अब तो मुझे मान गए ना। अब तक क्यों नहीं आया? ऐसा तो मूवीज में देखा था जहां पर पार्किंग लॉट में गुंडे आते हैं, कहीं हम पर अटैक तो नहीं करेंगे? बकवास बनता। हे, हाय हाय, राहुल, यू मस्ट बी बालन। या, नाइस टू मीट यू राहुल। सेम हियर। ओ, इज दैट 118? या। मे आई? श्योर। थैंक्स। नाइस कार। Come, I'll show you around. This is Audi R8, 4.2 liter V8 engine, 0 to 100 in 4.5 seconds, 4-wheel drive, 430 bhp. Come here. American leather interior, one of the world's fastest supercar. Iski price hai 1 crore 80 lakhs. That's you, and this is me. हमारी गाड़ियों की चॉइस से हमारी औकात का पता चल जाता है। हर एक खूबसूरत लड़की एक आलीशान जिंदगी चाहती है, और तेरे जैसे लूजर्स यहां पर बहुत सारे हैं। You've got one thing wrong. She's my girl. उस फोटो में जो लड़की है वो मेरी है, उसे फॉलो करने की कोशिश भी मत करना वरना बर्बाद हो जाएगा तू। अब इस खटारा डब्बे से तू मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। हीरो जहां भी हो कैसा भी हो, सब में एक कॉमन हैबिट होती है, उसे एंड में सब कुछ मिलता है। ये अपनी 430 bhp अमेरिकन लेदर अपने पास ही रख, पर उसे नहीं, क्लाइमैक्स में वो मेरी होगी। गुड लक। जिस तरह से उसने बात की और अपनी गाड़ी की तारीफ की, उसे तो मुझे यही लगता है कि हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। वो सब मैं नहीं जानता, पर मेरा डायलॉग सुनकर वो धक्का तो खाया होगा। कुछ भी हो, एक चीज तो क्लियर है, गेम ओवर। क्या ये इतना काफी नहीं है? उसने तुम्हारी कार का मजाक उड़ाया। छोड़ना उसकी बात को, इग्नोर कर। इग्नोर करने से क्या होगा? तू उसे ढूंढता फिर रहा है और आज तक वो तुझे नहीं मिली। तुझे लगता है कि वो इस गाड़ी में कभी बैठेगी? क्या हुआ? अरे देखा, उसकी बात सही थी। चल चेक करते हैं। देखना कौन है, अगर वही साइको हुआ तो सुना दे उसे। हेलो कमीने, आई मीन यार उमर, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया यार, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? लगता है यार मैं अब बच नहीं पाऊंगा, जल्दी आ जा यार। ओके ओके। कौन था? रोमांचक का वो एक्सीडेंट हो गया, वो अभी सकारा हॉस्पिटल में है। लगता है बहुत सीरियस है, उसने जल्दी बुलाया है। उसे मरने से पहले बोल देना चाहिए था, तू जीत गया और मैं हार गया। छी, कैसी बातें कर रहा है यार। मजाक कर रहा हूँ।
वाह। चल बैठ, देखते हैं कितना सच है। छोटी चोटे क्या लगी तुझे? लगा कि तू मरने वाला है? अबे मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू बस राई का पहाड़ बनाता है। तेरे जैसा फट्टू आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे किसी साइकिल ने ठोका क्या? नो, इट वाज कार। उसी कार से मैं यहाँ पर आया हूँ। लगता है मेरे पूरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लगता है एक्सीडेंट के बाद तेरा दिमाग सही हो गया। वैसे वो लड़की कहाँ है जिसने तुझे ठोका? अच्छा, वो लड़की बाहर कॉरिडोर में घूम रही है। तेरी कुंडली के हिसाब से तुझे लड़कियों से खतरा है। कोई नहीं, मैं उससे मिलकर आता हूँ। बता देता हूँ, तेरे पहचान वाले भी हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर यार। इस तरह से वो फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गई, उसी तरह जैसे पहले मिली थी, अनअनाउंस्ड, अनएक्सपेक्टेड। हाय। टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली उसे इस कंडीशन में यहाँ लाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ? एक्सक्यूज मी? नहीं, मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। लिसन, दिस इज माई नंबर। तुम चाहो तो घर जा सकती हो, मैं यहाँ रुकता हूँ। आई कैन टेक योर नंबर, अगर कुछ हुआ तो कॉल कर दूंगा। थैंक यू, मैं कॉल करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं, है ना? यूजुअली लड़के ही इस तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मजाक कर रही थी। गो ऑन, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना? जो तुमने कहा मैं वही कह रहा था। अब कहीं तो मिल चुके हैं ना? हम दोनों लास्ट मंथ मिले थे जब बहुत बारिश हो रही थी। तुमने मुझे टैक्सी ऑफर की थी। आई रिमेम्बर यू। ऑफ कोर्स, यस, गुड मेमोरी, दैट वाज यू। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। बालन, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये बहुत पुरानी यादें हैं। पुरानी यादें इसलिए क्योंकि समर ऑफ 99, दुबई इंटरनेशनल स्कूल, उस वक्त हम अपने एनुअल एग्जामिनेशन की फाइनल प्रेपरेशन कर रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही पौधा था। साइंस एग्जीबिशन के लिए मैंने उस पौधे को 3 महीने से सींचा था। आई वॉज इट्स मदर। पर उस स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसे एग्जाम की कोई टेंशन नहीं थी। क्या तुम लोग स्कूल आकर पढ़ाई करते रहते हो? बच्चे सैंडविच ऐसे बनाते हैं क्या? मम्मी को बोलो कल से चिकन सैंडविच बना कर दे।
अगर कल चिकन सैंडविच नहीं लाई ना तब फिर देख लेना। कुछ भी ले आती टिफिन में। तू ग्राउंड में खेलने और दौड़ने आता है, चल जा। ए, तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं घर जाके लंच करूंगी। है? क्या कहा तूने? मेरी माँ कहती है तुम जैसे लूजर्स दूसरों का लंच खा जाते हैं। क्या कहा तूने मुझे? हाँ? बालन, गो टू योर क्लास। ट्रिक जब अपना ड्रामा चल रहा होगा मैं तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी और तुम मेरे पीछे खड़े रहना। हाँ तो मैं तो ट्री बनी हूँ ना, मैं अपने पीछे ही पेपर चिपका दूंगी और तुम इसे पढ़कर डायलॉग बोल देना। मस्त आइडिया है। अच्छा पहचाना कैसे? मैंने हाल ही में टाइम्स का रेस्टोरेंट रिव्यू पढ़ा था, वहीं पर तुम्हारा नाम देखा। बालन के नायर नाम के सिर्फ दो आदमियों को जानती हूँ, बस एक क्यूरियोसिटी थी। टाइम्स की वेबसाइट पर तुम्हारे प्रोफाइल में जब दुबई इंटरनेशनल स्कूल देखा तब मैं श्योर हो गई, फोटो भी देखी। एक्चुअली उस रात मिलने से पहले मैंने तुम्हें एक बार साउथ बेंगलुरु के एक मॉल में भी देखा था, पर उस समय तुमसे बात करना ठीक नहीं लगा। Are you okay? Will you excuse me? Just one second. Balan, you are a loser. जब उस दिन मुझे कॉल आया तो मैं समझ नहीं पाया कि भगवान मुझे क्या इशारा दे रहा है। And it was all because of her. क्या हुआ? आखिर उसने क्या कहा? अबे भगवान मेरा दांत, भगवान। ये चाटा तेरे ऊपर उधार था, वो लड़की ही थी। बस पहुंच ही रही हूँ माँ, हाफ ना। ओके, घर से था, माम के साथ मुझे शॉपिंग पर जाना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। हाँ थैंक्स बालन, जो यहाँ से जाने का ऑफर दिया।
I have your number, yeah? कल फिर आऊंगी। मुझे और भी कुछ काम है, तुम ही नहीं से यहाँ लाया ना, तो तुम ही देखो। What's your name, ma'am? Sheela. Balan ke Nar and Sheela. ऐसा लग रहा है कि शेर और शेरनी में प्यार हो गया है भाई। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है यार। शीला शीला हेलो हेलो फिर आवाज बदल कर फोन कर रहा है। क्या हुआ बालन? मैं शीला हूँ, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। तुम चंदू को नहीं मार सकते हो। चंदू तो वैसे ही मर चुका है, उसने सोने और पैसे के लिए अपनी जान दे दी। मुझे तो अब पुनर लूटा गहरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी का है। वाह, जो पैसे के लालच में पड़ता है। वाह, उसकी क्या बात है भाई, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। अबे उस लड़की ने तुझे हरा दिया तो उसमें मेरी क्या गलती? बेवकूफ कहीं का, किसका गुस्सा किस पे उतारता है समझ में नहीं आता। चलो गेम खेलते हैं। हाँ? तुम उमर हो ना? तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स, तुम इतने फेमस जो हो। आई एम शीला। और मैं यहाँ क्यों आई? तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा यहाँ का डायरेक्टली तुमसे मिल लूं। बालन, तुम अब तक उस बात से नाराज हो ना? वो सब हमारा बचपना था और कुछ भी नहीं। छोड़ो ना, गुस्सा थूक दो प्लीज। बात वो नहीं है, वो क्या है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। रियली? हाउ एक्साइटेड। वी शुड टोटली गो। कल उसकी शादी में हम जरूर जाएंगे। बालन, तुम वहाँ जाए बगैर कैसे हार मान सकते हो? मैं और उमर भी तुम्हारी कंपनी के लिए साथ चलेंगे, है ना उमर? हाँ, क्यों नहीं। पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ तो ये सेलिब्रिटी है, पब्लिकली फेसबुक पे इसे सब जानते हैं। तब तो और मजा आएगा। पर मैं जिस बालन को जानती हूँ वो तो बहुत टफ था। ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाना हर लड़के की बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। हाँ, हाँ। अगर वो गोली चलाएगी तो हम बॉम्ब फेंकेंगे। व्हाट? एनीवे, वी शुड टोटली गो। इट बी फन। तुम्हें क्या लगता है? मैं यार देवदास बन के बैठा हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन। मेरा प्लान अपना रंग जरूर दिखाएगा। ये इसलिए नहीं कि तुम यहाँ आई हो। मैं इस बार खुद को फेल नहीं होने दूंगा। उसे भी दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। वही फेसबुक वाले अंकल, एक सेल्फी ले ले। व्हाट्स अप लूजर? जब मैंने कहा था कि रोमांच मेरा एनिमी नंबर टू है, तब सोचना चाहिए था एनिमी नंबर वन कौन है। मीट मिस्टर रॉकी के नायर, स्कूल का हेड बॉय, फुटबॉल टीम का कैप्टन, आर्थ्रॉप, मॉडल स्टूडेंट, हार्वर्ड की मेडिकल डिग्री, एक सुंदर सी फ्रेंच गर्लफ्रेंड और अभी अपने पेरेंट्स के हॉस्पिटल में सीईओ और चीफ सर्जन है। कैसे हो मेरे छोटे भाई? सोच रहे हो मैं यहाँ कैसे? उसे देखा, मिथुन मेरा क्लोज फ्रेंड है, चार्मिंग गाय। कुछ सालों से हम बॉस्टन में साथ थे। इट्स क्वाइट द कैच, तुमसे कहीं बढ़कर है, लड़की इंटेलिजेंट है। सो टेल मी समथिंग ब्रो, हाउ डज इट फील टू गेट डम्प्ड? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आज तक किसी लड़की ने छोड़ा नहीं है ना।
अरे क्या क्या पे रॉकी छोड़ मुझे। कितने सालों से तुझे नीचा दिखाता आया हूँ, अभी तो गिनती भी याद नहीं। कोई नहीं, वैसे भी तुझे घर में कोई मिस नहीं करता, तू हमेशा सेकंड बेस्ट ही रहेगा। अगर तू चाहे तो घर आके उनसे मिल सकता है। हाय। तेरा दोस्त है, तेरी तरह लूजर ही लग रहा है। तुझसे दोस्ती और करेगा भी कौन, जैसा तू है वैसे तेरे फ्रेंड्स। ओ लल्ला, हूज दिस चिक। वैसे मस्त है। मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरी गर्लफ्रेंड? लगता है दिमाग खराब है। रुक, मैं बात करता हूँ। हाय स्वीटहार्ट। वो इडियट बोल रहा है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, सच है? Why are you with that loser? मैं उसका बेटर वर्जन हूँ, his very own successful brother. उसे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। I'll show you a much better time. तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई ऐसा है? But I don't blame you. अगर मेरा भाई ऐसा होता तो मैं भी नहीं बताती। Ouch! That hurt. Come on, darling. चलकर newlywed couple से मिलते हैं। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। Well done, little bro. She's a keeper. तुम रॉकी के भाई हो? हाँ तो? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं बालन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उमर। चल अब निकल यहाँ से। बचपन से सुनता आया हूँ अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, पर मुझे अब तक समझ में नहीं आया उसके अंदर है क्या। खुद को बहुत होशियार समझता है, लड़की नहीं होती ना तो दिखाता। शीला के सामने वो पागल हमारी बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन शीला ने अच्छा सबक सिखाया उसे। She is not bad, क्यों? हाँ मुझे पता है, पर वो हमारी द वन है। पर तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने लाइफ में नहीं देखा। इतनी छोटी सी बात से तुम उसे नापसंद करते हो। तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी यार, बालन के नायर वेट शीला। इस सब का जिम्मेदार तू है। अच्छा, तुमने उस लड़की को ढूंढने में कितनी मेहनत की है, और आज वो लड़की तुम्हारे सामने है। भगवान भी अजब खेल खेलता है ना। यार हम उसे मजाक में ढूंढ रहे थे और वो सच में मिल गई। मजाक हो या कुछ भी हो, वो तुम्हें मिली है। मेरी बात सुनो, उसे फोन करके बुला लो। आर्ट गैलरी, तूने उसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया? नहीं, इधर आ। वहां जाके मैं क्या करूंगा? चलना, तब तक पेंटिंग्स देखते हैं। पर उसमें ऐसा देखने लायक क्या है? तू ही जा। अबे चलना। मैं नहीं आऊंगा। हाय। हाय। तुम्हारा भाई चला गया? कैसे पता चला? He was an interesting guy. Yeah. So, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो अभी भी दुबई में ही है। अ टिपिकल डॉक्टर फैमिली, मम्मी पापा और भाई सब हॉस्पिटल में रहते हैं। बालन, तुम्हें सब में इंटरेस्ट नहीं है? बड़ा भाई सबका चाहता है। He's a good son. मैं किसी भी चीज में आगे नहीं हूँ। मेडिसिन में भी इंटरेस्ट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट। ये सब छोड़ो, तुम दुबई से कब वापस आई? मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ सेटल हो गई, पर बैंगलोर से कई लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, पता है? मेरे पेरेंट्स भी पहली बार यहीं मिले थे, यहीं उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। तुमने बाकी पढ़ाई कहाँ की? शिमला के स्कूल और कॉलेज में। सो वेकेशन में यहाँ आती हूँ, इसलिए मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बट आई लव दिस सिटी। बाय द वे, Why did you do journalism? Let me show you something. Come.
द कॉमन मैन, आर के लक्ष्मण का कॉमिक कैरेक्टर, 1950 से यहाँ है और ओवर हाफ अ सेंचुरी ये बचपन से मेरे हीरो थे, टोटल जीनियस। मैंने टाइम्स सिर्फ कार्टूनिस्ट बनने के लिए ज्वाइन किया था। मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताया। They remember you. Really? उस भुलक्कड़ डक को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊं। Anyway, मुझे अब चलना चाहिए। It was really nice meeting you. Okay. Bye. Bye. शीला, परसों का क्या प्लान है? न्यू ईयर्स ईव है। मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस कुछ फ्रेंड्स के साथ छोटी सी न्यू ईयर पार्टी। एंड यस यू नो, और 12 बजे तक हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। पार्टी के बाद डिनर पर चलें? माय प्लेस। डिनर के बाद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेवर माइंड, आई विल सी यू सून। नो नो नो, मैं आऊंगी। आई सी यू देयर। ओके, बाय। हाय हाय, तो क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं थैंक्स, बस 5 मिनट, मैं सब अरेंज करता हूँ। या श्योर, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। या कि क्या मैं देख सकती हूँ? उमर के फादर का घर है, उन्होंने किसी फ्रेंच लेडी से खरीदा था। इट्स ऑफिशियली ऑन सेल, पर हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। और उमर कहाँ है? उमर वो मेरी तरह नहीं है, वेरी बिजी। चलो चलते हैं। चीयर्स। ये सब कुछ तुमने बनाया है बालन? यप। सो ये सब किस लिए है? इतना एफर्ट और ये डिनर? बस सॉरी कहने के लिए। मैं तुमसे बहुत रूड था ना? ओके, अपॉलजी एक्सेप्टेड। तुम कह रही थी तुमने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मुझे नहीं पता बालन। आई लव दिस सिटी। सो बेंगलुरु को ही मैंने चुन लिया। सो शादी, बॉयफ्रेंड? तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? हाँ।
Well, शादी के बारे में अब तक सोचा नहीं है मैंने. But boyfriend, his name is Rahul. मेरे एक क्लाइंट का बेटा है. मुझे समझ नहीं आता कि उसे बॉयफ्रेंड कहूँ या कुछ और. हमने एक साथ बहुत समय बिताया है. जब मैं शिमला में थी तब राहुल भी वहीं था, और जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो राहुल लंदन चला गया फॉर हिज एमबीए. एक्चुअली पिछले महीने वेकेशन में ही आया था. राहुल, नाइस नेम, पर आदमी कैसा है? राहुल इज जस्ट परफेक्ट गाय, यू नो, बहुत हैंडसम है, रिच फैमिली से है. राहुल के पापा यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर हैं. ऑल इन ऑल वो आइडियल हस्बैंड मटेरियल है. सो यू आर इन लव? जर्नलिस्ट वाला दिमाग है. अभी और कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मैं एक टिपिकल लड़की जैसी नहीं हूँ बालन. मैं रोमांस और लव में विश्वास करती हूँ. कॉलेज में मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज वगैरह देखी हैं, पर एंड में स्टोरीज ट्रेजेडी बन जाती हैं. सब इतना आसान नहीं होता. मुझे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आई डोंट अग्री विद यू. हर लड़की के दिल में कहीं ना कहीं तो रोमांस होता है. आज प्यार बहुत प्रैक्टिकल हो गया है. अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो हस्बैंड चूज करने में प्रॉब्लम होती है. एजुकेशन, फैमिली, बैंक बैलेंस, प्रॉस्पेक्ट्स सोचने पर मजबूर करता है. सी, हमारे जनरेशन में हमारे पेरेंट्स हमें फुल फ्रीडम देते हैं, और मेरे केस में मैं अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती हूँ. सो इस तरह की फ्रीडम मिलने के बाद नेचुरली हम बचपन से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. ये सच्चा प्यार व्यार हमारे पेरेंट्स के जमाने में होता था. So you don't believe in love? मैंने प्यार जैसी कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं की है बालन. इफ इट हैपेंस आई स्टार्ट बिलीविंग इन इट. थैंक यू सो मच बालन, दिस वॉज रियली लवली. अब मैं चलती हूँ. शीला, जाने से पहले एक फोटो ले सकते हैं? या श्योर, जस्ट वन मिनट. उस रात ये तुमसे छूट गया था, तब से हर दिन मेरे पास है. पहले ही देना चाहिए था. I'm sorry. जाने क्यों देने का मन नहीं किया. Maybe this is the right time. इस कैमरे की इंपॉर्टेंस तुम नहीं जानते बालन. थैंक यू. मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने ऐसा कैमरा क्यों रखा? What's the story? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी. I'm late. Okay. Bye. Bye. In fact, बालन, तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए. I thought you would never ask. I'll drive. उमर कहाँ है? मैंने उसे मैसेज तो किया था, अब कॉल करता हूँ. कहाँ है तू? हम पहुँच गए. तुम पहुँच गए? मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तू वहीं रुकना. ओके. शीला, are you okay? पॉइजन है. वेरी गुड. न्यू ईयर पार्टी है.
भैया बाहर का खाना थोड़ा संभल कर खाना चाहिए। नहीं डॉक्टर, ये बाहर के खाने का कमाल नहीं, ये अंदर के खाने का जलवा है। ये खाना इसी ने बनाया है। तुम बाहर जाकर ये दवा लेकर आ जाओ। टेक अ रेस्ट। शीला, I'm sorry. Happy New Year. Happy New Year. नया एडिटर मुंबई से आया है, जेपी वर्मा, यंग एंड डायनामिक। बहुत से लोगों को लगता है ये टाइम्स का फ्यूचर है। मैंने फैसला कर लिया इसे कैसे इंप्रेस करूं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम बालन। हाय, सिट। ग्रेट टू हैव यू हियर सर। आपके साथ काम करने में मैं काफी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। हाउ कैन आई हेल्प यू बालन? सर मैं इस आइडिया पर काम कर रहा हूँ। इट्स अ कॉमिक स्ट्रिप, सेट ऑफ पॉलिटिकल कार्टून्स। आई वॉज होपिंग यू टेक अ लुक। जब भी आप फ्री हो सर। कार्टून्स? कॉमिक स्ट्रिप सर। बालन, आई डोंट हैव टाइम, लॉट ऑफ डेडलाइंस, यू नो राइट। मेरे पास तुम्हारी हॉबी के लिए बिल्कुल समय नहीं है, और अगर समय होगा भी तो मैं किसी काम की चीज में लगाऊंगा। तुम्हें लगता है ये कोई पढ़ेगा? कार्टून्स डजंट सेल, न्यूज़ सेल्स। एंड बालन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? फीचर राइटर सर। आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट इफ यू डोंट माइंड। कैन आई? श्योर सर, सॉरी। ये मेरे पेरेंट्स का पहला घर है। इससे पहले ये रेंट पर था, उसके बाद पापा ने खरीद लिया। पहले ये बहुत छोटा सा था, बाद में हमने इसे बड़ा कर दिया। मेरे पापा और मम्मी के लिए ये घर बहुत यादगार है। यही उनके पुराने और हसीन पल बीते थे। अब्रॉड में बिजनेस खत्म होने के बाद वो दोनों यही आने वाले थे। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। ये सब फोटोज मेरे पापा ने ली थी। Really? हाँ हाँ। बालन, उस दिन तुमने मुझसे उस कैमरे के बारे में पूछा था ना? This is the story. और मेरे पापा ने अपनी सेविंग से ये पहला कैमरा खरीदा था। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। ये कैमरा मेरे पापा का प्राइस पोजेशन था। ये उन्होंने अपनी 25th एनिवर्सरी पर खरीदा था। अपनी बहुत सी यादें कैद की थी उन्होंने इसमें, अपनी लव स्टोरी की। उनके लिए ये कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट था। ये सारी पिक्चर्स इसी कैमरे से ली गई हैं। वो पहली बार केमिस्ट्री लैब में मिले थे। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ वो कॉलेज के बाद टाइम बिताते थे। इस मूवी थिएटर में वो ज़्यादातर हिंदी मूवीज़ देखने जाते थे। और इसी पार्क में मेरे पापा ने मामी को पहली बार प्रपोज किया। ये 5 फोटोज उनका गिफ्ट है। 5 फोटोज? एक फोटो लेनी बाकी है अभी। ये तब की है जब कैमरा खो गया था। ये कौन सी जगह है? ये जगह नहीं, ये स्कूटर है। ये स्कूटर वाली फोटो उनके सफर की 5वीं फोटो है। जब हम दुबई चले गए तो पापा ने इसे बेच दिया। अभी तक मैं इसे ढूंढ रही हूँ। सुफानो लक। Bro, will you help me find the scooter? Okay, give me 2 days time. Thanks. ये गाड़ी नहीं तो मुझे 2 दिन दीजिए। हाँ, क्या बोला? 2 दिन में ढूंढ लेंगे। 2 दिन में ढूंढ लेंगे। हाँ, थैंक यू। हाँ, ओके। शीला की जवानी। बिजी हो क्या? तो फिर रेडी हो जा, उमर पिक करने आ रहा है, हमें कहीं जाना है। बाद में बताऊंगा, अपना कैमरा भी लाना। जस्ट कम। ओके बाय। दैट वाज फन, थैंक यू सो मच।
अपना कैमरा मुझे दो, मैं फोटोज डेवलप करूंगा, स्कूटर उनकी एनिवर्सरी पे देंगे, विल सरप्राइज देम। ओके चलो मैं चलता हूँ। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, आओ अपने पेरेंट्स से मिलवाती हूँ, चलो ना कम। शायद घर में कोई भी नहीं है, घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं, मैं जरा देख के आती हूँ। मॉम हे राहुल, यू स्केयर्ड मी। तुम अंदर कैसे आए और इस तरह अचानक से? तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना, ग्रेजुएशन का वेट नहीं किया? टू मेनी क्वेश्चंस। ग्रेजुएशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है राइट, उसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, मुझे शायद और जल्दी आना चाहिए था। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, हम ग्रेजुएशन तक तो रुक ही सकते हैं। शीला आई केम फॉर यू। विल यू मैरी मी? यस। सॉरी बेटा, ये राहुल का आइडिया था जो हमें भी पसंद आया। एक्चुअली हमें एंगेजमेंट नेक्स्ट वीक करनी थी और राहुल के पेरेंट्स भी मान गए। पर दोनों को देखकर लगता है कि यही सही है। It's beautiful. Made in US. Super diamond. Nothing but the best for my girl. मेनन अंकल, ये लो प्लीज टॉक टू हिम, अंदर चले जाओ। बेटी कम ऑन, कम कम इनसाइड।
अरे तुम फिर से आ गए? सर वो लास्ट मीटिंग वॉज वेरी हेल्पफुल। मेरे लिए ये चैलेंज है, रीडर्स इसे जरूर पसंद करेंगे, मुझे यकीन है। इसे जरूर पढ़ना सर। यू वोंट मेक इट। आई एम सॉरी। जब तुम ये कार्टून बनाते हो तो क्या सोचते हो? इज इट योर टैलेंट? अगर तुम्हें ड्राइंग का इतना ही शौक है तो सड़कों पर जाओ, टूरिस्ट के लिए कुछ बनाओ। इट्स अ डाइंग आर्ट और मेरे ख्याल से इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। सर आप इसे बिना पढ़े मेरे टैलेंट को कैसे जज कर सकते हैं? इट्स नॉट फेयर। एटलीस्ट आप इसे एक बार पढ़कर तो देखिए सर। आई प्रॉमिस यू बाद में कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यू हैव माई वर्ड। ओके, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो। बट आई मस्ट वॉर्न यू, आई वोंट चेंज माई रिस्पॉन्स। टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू सर, इतना काफी है। चलो आखिर में एडिटर ने तुम्हारी ड्राइंग ले ही ली। गुड गोइंग मैन, उसे जरूर पसंद आएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। व्हाट्स अप, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से देख रही हूँ बहुत अपसेट लग रहे हो। आई एम ऑलराइट। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए शाम को ऑफिस में एक पार्टी रखी है। तुम्हें पता है ये कॉस्ट्यूम पार्टी है, मूवी कैरेक्टर बनकर आना, बहुत मजा आएगा। उमर को भी बुला लो। लोग हमें विलन समझते हैं तो हम विलन बनकर ही जाएंगे। मैं बैटमैन का दुश्मन जोकर बना हूं। उमर क्या बना है उसे ही पता। उसके हिसाब से पूरी दुनिया की लड़कियां उसे ही पसंद करेंगी। आज वो प्रिंस ड्रैकुला बना है, द किंग ऑफ डार्कनेस। The name is Bond, James Bond. Oh, 007. Dry martini, shaken, not stirred. Hey Umar. हाँ. तूने सही कहा था यार. हाँ. मैं जब उसे मिला था ना, हाँ? मुझे तभी उसे प्रपोज कर देना चाहिए था। आई लव यू शीला, आई लव यू। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो और जोर से चिल्लाओ, आई लव यू। एम आई राइट? यस। जरूरत हो तो मैं भी चिल्लाऊं। बालन के नायर सोलो ही खेलता है, मैं अकेले ही जाऊंगा। ए रुको रुको रुको, घर आ गया, हम पहुंच गए। गुड नाइट। Nice room.
ये तुमने क्या हाल बना रखा है? कैसा हाल? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो तुम? अरे कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं कुछ कहने आया हूँ, कहकर चला जाऊंगा। अरे कहाँ गया? बालक तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I love you. What? I love you. जब से मुझे वो कैमरा मिला है तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने और उमर ने क्या क्या नहीं किया है, you have no idea. पहले तो ये सब टाइम पास था, फिर जब मैं तुमसे अचानक मिला, तुम्हारे करीब आया, तब से मैं तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं पाता हूँ। I love you. शीला, बेटा खाना खाने आ जाओ। आ रही हूँ। यहाँ दूसरा रूम है क्या? अरे जब तक मैं वापस नहीं आती चुपचाप यहीं बैठना। कितनी देर लगा दी, हमने स्टार्ट कर दिया। देखो बेटी, इसे राहुल के पापा ने इटली से भेजा है, अच्छा ब्रांड है। बेटा फ्लावर वाले ने मुझे फोन किया था। हाँ? पूछ रहा था तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। ऑर्किड्स, व्हाइट, व्हाइट ऑर्किड्स। चपाती चाहिए? हाँ एक और। इसे राहुल की माँ से मेरी आज बहुत देर तक बात। जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा है। बालन, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी शी विल बी लकी। नहीं डियर, ये सब मैंने बहुत सुना है। इसकी जुबान पर कुछ है और दिल में कुछ और, पर यहाँ मामला कुछ और है। दोस्ती से बढ़ के कुछ है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे केयर करने का स्टाइल, फिर भी ये मुझे पसंद नहीं करती। मैं जिससे शादी करूंगा वो लकी होगी। फिर मेरी लकी गर्ल तुम क्यों नहीं बन जाती? क्या हो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी लाइफ लकी हो? बालन, मैं राहुल को जबान दे चुकी हूं। ये बालन बालन कह के मुझे मत बुलाओ, मुझमें आखिर कमी क्या है? दिमाग नहीं है, स्मार्ट नहीं हूं, अनपढ़ हूं क्या? बालन, मेरी लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी की जरूरत है। राहुल के साथ मुझे वो मिल जाएगी, बट आई बिलीव इन यू। और बालन, तुम्हें भी वैसी लड़की मिल जाएगी जैसी तुम चाहते हो। ये लव का चक्कर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। परेशानी, जलन, ईगो, पजेसिवनेस, मारपीट, ये सब तुम राहुल को ही देखने दो। मतलब? हमारे बीच बस एक ही रिश्ता है बालन, फ्रेंडशिप का। हम बस इसी रिश्ते को निभाते हैं ना, ये मेरा डिसीजन है। और अब तुम क्या करना? Boring. बालन, क्या हुआ?
वाह कितना बड़ा घर है। बालन, look at me, look at me, look at me. Okay, चलो कम। जी रुको 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 रुको। ऐसा पहली बार होगा कि बालन के नायर खाली हाथ वापस जाए। हेलो, क्या बात है? हीला की जवानी मिल गई मुझे। ये क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया। चलो, जस्ट कम, चलो। गुड नाइट शीला। Go, love go. You. Good night. Bye. I love you. Be safe. लगते हो बिल्कुल। वो इसे चाय दे दो, इसका हैंगओवर तो उतर जाए। कम ऑन, टेक इट, हैव। थैंक यू। डिस्कस कर रहे थे तब तुम गेट कूद कर क्यों आए? चलो फिर भी तुम पहली बार हमारे घर आए हो। ब्रेकफास्ट के बाद बातचीत करेंगे, ठीक है? कम, कम ऑन। ये तो काफी साइलेंट लग रहा है। नो He talks a lot. तुमसे पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए। टाइम्स में जॉब करते हो, है ना? एक्चुअली कार्टूनिस्ट बनना बालन की एम्बिशन है। कार्टूनिस्ट? That's interesting. कॉमिक और कार्टून तो सबको बहुत पसंद आते हैं। Some people never grow up. Excuse me. Hello, mom. Rahul, I'm sorry. इसे दिल पर मत लेना। शीला को मैंने कुछ नहीं बताया है, मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और वो तुम होगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बट द पास्ट इज पास्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि कंपटीशन हमेशा बराबर वालों के साथ ही होता है और तेरे जैसा आदमी कभी भी उस लीग में फिट नहीं बैठ सकता। शीला जैसी लड़की के बारे में सोचना भी तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे तो यही लगता था। पर फिर भी तूने मुझे उस दिन चैलेंज किया। दैट्स जस्ट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। व्हाट डू थिंक ऑफ फ्लोरेंस? एक्सक्यूज मी, फ्लोरेंस इटली? हनीमून वही प्लान किया है मैंने, तुझे तो जगह का पता भी नहीं है। फ्लोरेंस के एरोन रिवर में सनसेट बहुत रोमांटिक होता है। द फूड, द आर्ट, द फैशन, द वाइन। Sheila should love it. What do you think? Sheila, hum chale? Yeah. I'm sorry. I'm a busy man. Engagement mein aana. Bye. Rahul, ek minute. बॉय स्टॉक। राहुल, एक और जगह है जो एरन रिवर के सनसेट से ज्यादा रोमांटिक है, पियाज़ा दी माइकल एंजेलो। राहुल को यह जगह नहीं पता होगी, एक माइकल एंजेलो नाम का स्क्वायर है साउथ ऑफ द सिटी, वहां फ्लोरेंस से ज्यादा रोमांटिक सीन्स हैं।
द सन, द आर्ट, द वाइन, जो फ्लोरेंस में दिखता है वो यहां बिकता है. शीला विल लव इट. बाय. प्रैक्टिकल सोचने लगा क्यों भाई? एक स्टेज पे आके सबको प्रैक्टिकल होना पड़ता है. कब तक हम ऐसा जी सकते हैं? काफी दिनों के बाद पापा ने कहा है कि एमबीए करने यूएस चले जाओ. मुझे उनकी एक विश जरूर पूरी करनी चाहिए. कल यूएस से ऑफर लेटर भी आया है. वीसा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना पड़ेगा. उसके लिए 2 दिन लग सकते हैं. यूएस में रिश्तेदार हैं हमारे, उनके पास रहूंगा मैं. सही है. अगर कैलिफोर्निया हुआ तो वहां गेमिंग का स्कोप है. गेमिंग? कहाँ का गेमिंग? जबकि मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ. ये कैसा गेम है? हर समय पागलपंती करना ये गेमिंग नहीं, कुछ और ही है. यार मैं तो चला जाऊंगा, मगर तेरा क्या होगा? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है पता है? भगवान भी उसी को प्रॉब्लम देता है जो कुछ करना चाहता है. ये तेरा वीडियो गेम नहीं है उमर, जो हर स्टेज में डिफिकल्टी हो. ये लाइफ है. मैं भी लाइफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ. तुम पूछोगे नहीं क्यों? क्या मेरे पापा को खुश रहने का अधिकार नहीं है? उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और टेंशन रहता है, उसे क्या कहोगे तुम? तुम्हें पता है वो क्या है? वो प्यार है. उनको हमारी उम्र में भी प्यार हुआ था, लेकिन जब लड़की की फैमिली ने पापा को डराया धमकाया तो वो डर गए. वो बहुत डरपोक थे और उस लड़की की शादी हो गई. उसके बाद उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और मुंबई आ गए. उन्होंने मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया. कुछ सालों के बाद वो गांव गए. फिर मेरे माँ के साथ उनकी शादी हो गई. लेकिन जो उनका प्यार था वो कभी उनके दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए, और उसी की वजह से वो उनकी शादीशुदा जिंदगी में वो कभी खुश नहीं रह पाए, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. जब भी माँ ये कहानी सुनाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने अगर थोड़ी हिम्मत दिखा दी होती तो कोई दुखी नहीं होता. आज मेरे पापा की जगह मुझे तुम दिखाई देते हो. अगर आज तुमने मेरे पापा की तरह हिम्मत नहीं दिखाई ना, तो सारी जिंदगी तुम यही सोचोगे कि काश मैं उस वक्त हिम्मत कर पाता. आज शीला की सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है. अभी भी वक्त है. ये वक्त तुम्हारे लाइफ में दोबारा नहीं आएगा. तुम्हें उसे हासिल करने के लिए लड़ना होगा. मैं जो बोल रहा हूं इसके बारे में सोच ले यार. उस दिन मैंने ऐसे उमर को देखा जिसे मैंने कभी नहीं देखा था. मुझे लगता है पिछले जन्म में ये जरूर रोमन आर्मी चीफ रहा होगा.
वीसा इंटरव्यू के बाद मैं परसों वापस आऊंगा, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, जा और एक अच्छी गोरी को पटाना। चलता हूं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट पीपल। क्या इसकी जगह डस्टबिन में थी सर? बताइए मुझे, बताइए सर, आपने इसे बिना देखे कैसे फेंक दिया? लुक, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। तुम्हारे मुंह से अगला सेंटेंस मैं सॉरी सुनना चाहता हूं, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड। आपको मैं खुद को फायर करने का सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगा। आई क्विट। यू आर फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा एंड आई विल सी टू इट। नहीं आई, फिर आज इतनी बार कॉल क्यों किया तुमने? बालन, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? I expected you to keep your promise. आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम भूल गए? फोटोज कहाँ हैं? I'm sorry, 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 sorry. मैं भूल गया। मैं आ रहा हूँ। Sheila, I'm so sorry. Our sincere gratitude to each and every one of you. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। पर इस बार कुछ और भी स्पेशल है। ये सब हमने अरेंज नहीं किया है, ये सब शीला ने किया है। हमारे जीवन का अनमोल खजाना, हमारी बेटी शीला, एंड इट गिव्स ग्रेट प्लेजर टू अस दैट शी इज ऑल सेट टू हर मैट्रिमनी एंड वी आर ऑल सेट टू वेलकम राहुल टू आवर फैमिली। ये एक ऑफिशियल इनविटेशन है एंड प्लीज कंसीडर इट्स अ पर्सनल इनविटेशन फ्रॉम बोथ ऑफ अस। सॉरी मैं लेट हो गया, फोटोज इस पेन ड्राइव में है। यू नीड टू ग्रो अप बालन। एनीवे, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द इवेंट होस्ट, मैं अपनी बेटी शीला को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज। कुड यू प्ले दिस? ओके। माय पेरेंट्स आर द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड टू माय लाइफ। सो इनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी पर इन्हें क्या गिफ्ट दूं ये सोच रही थी और मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया। दिस इज फॉर यू। Watch, watch.
you could give us. Genius idea, beta. इसका सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकती. ये सब बालन ने किया है मॉम. जब वो ये लाने में लेट हो गया तो मैंने उससे बहुत रूडली बात की. मैंने उसे कॉल भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ है. बेचारा, उसे बुरा लगा होगा. बेटी तुम्हें जाकर उसे सॉरी बोलना चाहिए. हाँ बेटा, जाओ. मैं तुम्हारे घर गई थी पर वहां कोई भी नहीं था. फिर मैंने सोचा कि तुम यहीं होंगे. उमर कहाँ है? गया. कहाँ गया? बालन, I'm sorry. वो फोटोज मेरे लिए तुम्हारे सिवा और कोई नहीं ला सकता था. थैंक यू. मेरे मम्मी पापा ही नहीं बल्कि मैं भी सरप्राइज्ड हो गई. तुम्हारे मम्मी पापा के लिए नहीं, ये दिन मेरे लिए भी स्पेशल है. आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे बालन के नायर. आज ही के दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ. घर वालों ने भी कॉल नहीं किया. कम से कम उमर तो साथ रहता था. मैं हूँ ना. कब तक डियर? How many days? एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो तुम भी चली जाओगी. कुछ दिन साथ रहते हैं फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. ऐसे ही होता है. That's life. End of the day, you are alone. Alone. बालन, तुम बहुत शराब पी चुके हो. चलो घर चलो. चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ. भी है क्या वो राहुल? क्या तुम्हें कभी समझने की कोशिश की? तुम्हारी पसंद, तुम्हारा पैशन कभी जानने की कोशिश की उसने? सब की तरह तुम भी एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर ढूंढ रही हो ना? लाइक यू सेड, लड़कियों को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए. डू यू नो मेरे लिए राहुल बनना कितना आसान है? कभी भी कभी भी मैं अपने पापा के बिजनेस ज्वाइन कर लेता पर मैं अपनी तरह से लाइफ जीना चाहता था. पर मैं तुम्हारे सामने तो लूजर ही था. बट आई एम ओरिजिनल. उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह फालतू प्यार में विश्वास नहीं करती. प्यार तब से अब तक प्यार ही है शीला. तुम भी कहीं ना कहीं रोमांटिक ही हो, इसीलिए तुमने अपने पेरेंट्स को ऐसा गिफ्ट दिया. तुम्हें उससे पूछना होगा कि जब तुम उस पुराने स्कूटर पर बैठी थी तो तुम कितनी खुश हुई थी. क्या राहुल की स्पोर्ट्स कार में वो बात है? राहुल, उसका नाम ही कितना कॉमन है. हर हिंदी फिल्म में शाहरुख का यही नाम होता है. क्लाइमैक्स में हीरोइन राहुल को ही मिलती है तो बालन के साथ कोई हीरोइन कैसे आएगी? कल सुबह ठीक 10 बजे मैं तुम्हारे घर उस पुराने स्कूटर में बैठ के आऊंगा. अगर तुम में गट्स होगा, अगर तुम ओरिजिनल हो तो इस विलन के साथ आना, इस बालन के नायर के साथ आना.
हे, तेरा वीजा इंटरव्यू कैसा रहा? तू कहाँ जा रहा है? तुझे कहीं और शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, तू जब तक चाहे रह सकता है, ये घर हम नहीं बेचने वाले। यार मैं अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मंजिल का तो पता नहीं, हो सकता है नॉर्थ जाने वाली ट्रेन में बैठ जाऊंगा। बस जा रहा हूँ, मुझे पता है ये अजीब है, पर अब इस शहर से दूर चला जाऊंगा। तेरी जॉब का क्या हुआ? मोबाइल और इंटरनेट के बिना शांति से कुछ पल बिताना चाहता हूँ। इस शहर में मेरा बस तू ही तो है उमर। कैलिफोर्निया जाने के बाद तो तू भी बिजी हो जाएगा। चल फिर, गुड लक। तू बहुत सक्सेसफुल होगा मेरे दोस्त, और तेरे ऊपर वहां की मॉडल्स और डॉलर्स दोनों बरसेंगे। तुझे ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्या मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ। ये स्कूटर शीला को देता। चल बाय। शीला, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम्हारे एक डिसीजन से सब कुछ बदल सकता है। पर बेटा वो है कहाँ? उसने आज सुबह तुमसे मिलने के लिए कहा था ना। It's already 11 o'clock. उसका फोन स्विच ऑफ है पापा। बालन ने तुम्हें ये देने के लिए कहा है? बालन कहाँ है? वो चला गया। पर कहाँ? वो ये शहर छोड़ के गया है, कह रहा था कि शहर में नहीं रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस उस राहुल की चिंता है। उसने कहा था कि वो 10 बजे स्कूटर लेकर यहाँ आएगा, और उसने कहा था कि मैं उसकी हो जाऊँ। अब वो कहाँ चला गया? जब ऐसा उसने कहा तब उसने ड्रिंक किया था क्या? हाँ। फिर तो वो कल रात की बात भूल गया होगा, वो तो चला गया। What? उमर, स्कूटर स्टार्ट कर। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? ये तो मेरा पुराना स्कूटर है। हाँ, लगता तो वही है। ये सब बातें बाद में बताऊंगी। बेटी, बेटा, शीला, शीला। बहुत सी लव स्टोरीज का क्लाइमैक्स रेलवे स्टेशन पर खत्म होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त बीता है, जब भी हीरो ट्रेन में बैठता है हीरोइन की एंट्री होती है। Unfortunately, मेरी कहानी का क्लाइमैक्स इतना फिल्मी नहीं था। जाओ।
हो क्या? अरे बताओ भाई, गोवा तक मुझे कंपनी चाहिए थी, वरना इस बुड्ढे के साथ बैठा रहा तो ये मुझे पका डालेगा। भाई कहाँ जा रहे हो? मैं तो गोवा जा रहा हूँ, वहाँ आज पार्टी है, फुल मून पार्टी, वहाँ मस्त चिक्स के साथ चिल मारूंगा, तुम भी आ जाओ ना। क्या बात है भाई, बड़ा ही बोरिंग आदमी है। हेलो दोस्त। हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो? हे उस नंबर की ज़रूरत नहीं है, अरे उस नंबर पर रोमिंग लगती है। हाँ नंबर है 8908911111। हाँ फैंसी फैंसी। ओके बड़ी, सी यू इन गोवा। यार इस नंबर से बार बार फोन कर रहा है, 8908911111। जब मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा मुझे लगा नहीं यहाँ तुम बैठोगे। मेरा नाम मिस्टर नायर है, फोन नंबर 8089212200। अपना सामान नहीं चाहिए तुझे? ज़्यादा कुछ हासिल भी नहीं होता। मैंने कहा था कि आज का प्यार प्रैक्टिकल हो गया है। मैंने ये भी कहा था कि सच्चा प्यार हमारे पेरेंट्स के टाइम पर होता था। और अब तक मैंने सच्चा प्यार कुछ समय पहले तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट आई लव यू बालन एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। मैं अब विलेन के साथ ही जाऊंगी। आई लव यू, लव यू, आई लव यू। मैंने कहा था ना क्लाइमैक्स तक ये मेरी होगी। चल चल तेरी तो रुक रुक।
अच्छा, इस घटना के पीछे की क्या स्टोरी है? ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में ऐसा कुछ होगा। बस मैंने मजाक मजाक में वो पोस्टर मैंने ओबामा को मेल किया था। पिछले हफ्ते मुझे उनका जवाब मिला, क्योंकि बालन के स्केच इंटरनेट पे बहुत वायरल हो चुके हैं। अभी बहुत से पब्लिशर का लंदन और न्यूयॉर्क से फोन आ रहा है, वो बालन की नई स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। सो द ट्वीट हैज क्रिएटेड क्वाइट द बस। और जब ओबामा ने इस पर मुझे ट्वीट किया, तब मुझे काफी पब्लिशर्स के, मतलब न्यूयॉर्क और लंदन से भी काफी फोन आने लगे, और ये काफी चर्चा का विषय भी बना। बालन इस समय कहाँ है? बालन baby bro.